खबर यह है कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 5,46,720 हो चुकी है। मुतासर अफराद की तादाद 1,19,56,942 तक जा पहुंची है। अमरीका में 1,33,972 हलाकतें हुई हैं, जबकि ब्राजील में 66,868, भारत में 20,653 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,33,972 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 30,97,084 हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद 16,74,655 तक जा पहुंची, जबकि ये वायरस 66,868 जिंदगियां निकल चुका है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जहाँ कोरोना से 20,653 हलाकतें हो चुकी है, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 7,43,481 हो गई। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 44,391 हो चुकी है, जबकि केसेस की तादाद 2,86,349 हो चुकी है। इटली में वबा से मजमुई अमवात 34,899 हो चुकी है और वायरस के अब तक कुल केसेस 2,41,956 रिपोर्ट हुए। मेक्सिको में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 32,014 हो गई। स्पेन में इस वबा से अमवात 28,392 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 10,494 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 6,94,230 हो चुकी है। पेरू में कोरोना के बायस 10,952 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि यहां कोरोना केसेस 3,09,278 रिपोर्ट हुए हैं। चिली में वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 6,434 हो गई, जबकि कुल केसेस 3,01,019 हो गए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 11,931 हो गई, जबकि कुल केसेस की तादाद 2,45,688 हो गई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,017 रिपोर्ट हुई, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,17,108 तक जा पहुंची है।